Once again, welcome back in our online class. Today is your EVS class, and today we will discuss our new chapter, chapter 6, the work we do. In this chapter, we will discuss about local job, professional job, people in uniform, gender and work. Let's begin our chapter. Work is very important part of everyone's life. देखो work होता है जो अपना occupation होता है वो सबके life में important होता है. Occupation का meaning क्या होता है? एक ऐसा वर्क जो अपन अपने लिविंग अपन अर्निंग करने के लिए करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं ऑक्यूपेशन वर्क एडल्ट गो टू वर्क टू अर्न अ लिविंग एंड प्रोवाइड देयर फैमिली विद द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ अपनी फैमिली के जो एडल्ट पीपल होते हैं वो क्या करते हैं वर्क करते हैं किस लिए वर्क करते हैं अर्न लिविंग जब वो लिविंग क्या करने के लिए अर्निंग करने के लिए एंड प्रोवाइड देयर फैमिली विद द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ और अपनी फैमिली की जो बेसिक नीड्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं वर्क करते हैं अर्निंग करते हैं द काइंड ऑफ वर्क अ पर्सन डज इज कॉल्ड हिज प्रोफेशन देखो प्रोफेशन क्या होता है अ काइंड ऑफ वर्क अ पर्सन डज इज कॉल्ड हिज प्रोफेशन एक जो पर्सन होता है वर्क करता है अर्निंग करने के लिए उसको अपन क्या बोलेंगे प्रोफेशन अ पर्सन रोल इन हिज वर्क प्लेस कैन हेल्प अस टू डिफाइन हिज प्रोफेशन एनी टाइप ऑफ वर्क वेदर इनसाइड और आउटसाइड द हाउस इज इम्पॉर्टेंट जो टाइप्स हर तरह के वर्क हर तरह का जो ऑक्यूपेशन होता है वो इम्पोर्टेंस होता है चाहे वो घर के अंदर किया जा रहा हो या घर के बाहर जाके किया जा रहा हो चाहे ऑफिस में जाके किया जा रहा हो सम जॉब्स रिक्वायर प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड व्हाइल सम डू नॉट देखो कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिनके लिए ट्रेनिंग और कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग की नीड होती है कुछ स्पेशल स्किल्स की नीड होती है पर कुछ ऐसी भी जॉब है जिनके लिए कोई ट्रेनिंग कोई स्किल्स की नीड नहीं होती है लेट रीड इन डिटेल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब फर्स्ट लोकल जॉब सेकेंड प्रोफेशनल जॉब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लोकल जॉब्स देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स दैट पीपल डू पीपल लर्न सम जॉब्स और स्किल फ्रॉम देयर एल्डर इन द फैमिली मीन्स सम टाइप्स ऑफ जॉब्स पीपल लर्न फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल वर्क्स दे डू लाइक वो जो अपनी फैमिली करती आ रही जो उनका बिजनेस होता है उसको ही वो सीखते हैं वो कौन सा वर्क होता है उनका लोकल जॉब होता है पीपल लर्न जॉब्स सम जॉब्स फ्रॉम स्किल फ्रॉम देयर एल्डर्स इन द फैमिली देर आर जॉब्स दैट आर पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर लाइक व्यूइंग मेटल क्राफ्ट वुड वर्क बैम्बू क्राफ्ट पॉटरी लेदर वर्क जो ये सारे वर्क है जो एक जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं यानी जो अपने एल्डर जिस फैमिली में जो एल्डर जो जॉब कर रहा है वो ही उनके आने वाली जो जनरेशन है वो भी वही वर्क कर रही है तो ये एक जनरेशन से किसमें पास होती है दूसरी जनरेशन में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लाइक वीविंग मेटल क्राफ्ट वुड वर्क के सारे डिफरेंट टाइप्स के लोकल वर्क्स हैं सम फैमिलीज और विलेज आर एंगेज इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब फॉर जनरेशन और कुछ ऐसे वर्क ऐसे पीपल ऐसी फैमिली होती है जो एक पर्टिकुलर जॉब्स में अपना वर्क करती हैं दी जॉब्स डू नॉट रिक्वायर फॉर्मल ट्रेनिंग इन एनी इंस्टीट्यूट और इन जॉब्स के लिए इन वर्क के लिए उनको किसी तरह की कोई प्रॉपर स्किल और प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है ये सारी कौन सी होती है लोकल जॉब्स मीन्स वो अपनी फैमिली से सीखते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं उस जॉब्स में और इनके लिए कोई उनको कॉलेज वॉलेज जाने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है व्यूइंग मेनली रिफर टू द प्रोसेस ऑफ क्लोथ प्रोडक्शन जो ये व्यूइंग होता है व्यूइंग में क्या किया जाता है जो यार्न्स होते हैं उनसे फैब्रिक बनाया जाता है और ये फैब्रिक्स किसमें यूज होता है क्लोथ मेकिंग में व्यूइंग मेनली रिफर टू द प्रोसेस ऑफ क्लोथ प्रोडक्शन बाई टू थ्रेड्स एज नॉन इज रैप्ड एंड रैप्ड विच आर इंटर क्रॉस देखो व्यूइंग में क्या होता है टू टाइप्स के यार्न्स होते हैं जिनको इस फॉर्म में अरेंज किया जाता है रैप्ड एंड बाल लाइक दिस वन रैप वाफ दे आर अरेंज टूगेदर लाइक दिस एंड दे विल मेक एंड इट विल मेक फैब्रिक और जो फैब्रिक होगा इसमें यूज होगा क्लोथिंग में तो देखो बाई टू थ्रेड्स सेस नॉन इज रैप्ड एंड वाफ एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल सॉरी वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइक दिस दे विल अरेंज इन बाय द इंटरक्रॉस द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ हैंडीक्राफ्ट इज मोस्टली फॉर्म इन स्टेट ऑफ गुजरात देखो ये अभी भी कहाँ पर ज़्यादा फेमस है कौन से स्टेट में अभी भी ज़्यादा है गुजरात मध्य प्रदेश एंड राजस्थान बांधनी द फेमस फॉर्म ऑफ टाई एंड डाई आर क्रिएटेड इन जामनगर एंड राजकोट जो बांधनी की छुन्नी आती है बहुत सारे स्काफ आते हैं ये सारी होती है वो काफ़ी फेमस है जामनगर एंड राजकोट बिहार एंड
वर्क, और जो एम्ब्रॉयडरी वर्क्स होते हैं उसमें कौन फेमस है? बिहार और कर्नाटका। बेल मेटल क्राफ्ट इज मोस्टली प्रिवेलेंट इन मध्य प्रदेश। जो ये देखो मेटल क्राफ्ट होता है, मेटल से जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्राफ्टिंग की जाती है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, बिहार, असम है, मणिपुर, दिस ऑल स्टेट आर फेमस फॉर दिस बेल मेटल क्राफ्ट। द हार्ड फॉर्म ऑफ ब्रॉन्ज विच इज यूजली यूज टू मेक बेल्ट। देखो जो इसमें इसमें कौन सी मेटल यूज की जाती है मेटल क्राफ्ट में? ब्रॉन्ज इज रिफर टू इज अ बेल मेटल। इट इज यूज टू मेक क्राफ्ट लाइक वर्मिलियन बॉक्स, बॉल्स, पेंडेंट्स एंड फ्लावर वेसल्स। देखो मेटल से डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स की और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स बनाने, सिंदूर की डिब्बी आती है जिसमें सिंदूर रखा जाता है, वर्मिलियन बॉक्सेस, सारे इन बेल मेटल से मेटल क्राफ्टिंग की जाती है। और मेटल कौन सा मेटल होता है? ब्रॉन्ज होता है। उससे अलग अलग टाइप्स की थिंग्स बनाई जाती है, सिंदूर रखने के लिए डब्बी, बॉल्स, पेंडेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पेंडेंट्स एंड फ्लावर वेसल्स। इन मध्य प्रदेश दिस फॉर्म ऑफ हैंडीक्राफ्ट इज इवन रिगार्डेड एज ट्राइबल क्राफ्ट। देखो ट्राइबल क्राफ्ट, ट्राइबल क्या होता है? जो एक किसी एक ऐसे लोग जो किसी प्लेस के पर्टिकुलर प्लेस में रहते हैं तो वो ट्राइबल होते हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश से वहाँ के ट्राइबल क्राफ्ट भी, यानी कि वहाँ के पीपल भी इसको बनाते हैं। पॉटरी और क्ले क्राफ्ट इज सेड टू बी वन द मोस्ट एंशिएंट फॉर्म ऑफ हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया। जो पॉटरी वो बहुत पहले से चलता रहा है इंडिया में, बहुत पहले से फेमस है। बिसाइड्स इट्स वेल नोन टेरिकोटा फॉर्म पॉटरी हैज डिफरेंट फॉर्म्स लाइक रेड वेयर, ग्रे वेयर एंड ब्लैक वेयर। इसमें भी इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स आते हैं, जैसे कोई ब्लैक में आती है, अलग अलग सेट्स होते हैं पॉटरी के, किसी में ब्लैक सेट्स दिखता है, किसी में ग्रे सेट्स दिखता है, किसी में ब्लैक सेट्स दिखता है। उत्तर प्रदेश इज नॉन फॉर इट्स पेंटेड ब्लैक वेयर्स। जो उत्तर प्रदेश है उसमें जो पॉटरी आती है वो ब्लैक कलर की आती है। उत्तर प्रदेश उस ब्लैक कलर की पॉटरी के लिए फेमस है। बिसाइड्स कृष्णानगर इज वेस्ट बंगाल, बीकानेर, लखनऊ, पुणे एंड हिमाचल प्रदेश इवन प्रिपेयर क्ले वेयर आइटम्स लाइक पॉट्स एंड ज्वेलरी। जो उत्तर प्रदेश के अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं लाइक बीकानेर, लखनऊ, पुणे, हिमाचल प्रदेश, ये भी क्या करते हैं? जो पॉट्स और ज्वेलरी बनाते हैं। डिफरेंट रीजन इन इंडिया आर फेमस फॉर देयर यूनिक स्टाइल ऑफ लेदर प्रोडक्ट। जो इंडिया में जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स उनकी यूनिक अलग अलग प्लेस में यूनिक यूनिक स्टाइल है लेदर प्रोडक्शन की। लेदर से जो प्रोडक्ट की बने बहुत सारे प्रोडक्शन होते हैं लाइक पर्स, बैग, स्लीपर्स, सारे बनते हैं लेदर से और अलग अलग जगह पर अलग अलग फेमस है उनकी। राजस्थान इज नॉन फॉर इट्स डेकोरेटेड लेदर आइटम। जो राजस्थान है वो भी डेकोरेटेड जो जूती होती है उसके लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है। बीकानेर एंड जैसलमेर प्रोड्यूस डेकोरेटिव सैडल्स एंड बीकानेर आल्सो नॉन फॉर पॉपी और यूनिक लेदर बोतल मेड फ्रॉम कैमल हाइड। यू नो जो बीकानेर में एक लेदर से एक अलग टाइप की बोतल होती है, लेदर से बोतल बनाई जाती हैं उसको पॉपी बोलते हैं, उसके लिए बहुत फेमस है। कश्मीर इज आल्सो नॉन फॉर इट्स ऑर्नामेंटल लेदर प्रोडक्ट। और कश्मीर में वो डिफरेंट लेदर से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्नामेंटल बनते हैं, जो ज्वेलरी होती है वो बनते हैं। मध्य प्रदेश इज पॉपुलर फॉर इट्स एम्ब्रॉयडर्ड रेड लेदर आइटम। और जो मध्य प्रदेश में उसके एम्ब्रॉयडर्ड जो लेदर आइटम होते हैं उसको पूरी एम्ब्रॉयडरी की जाती है, उसको डेकोरेटेड किया जाता है एम्ब्रॉयडरी करके। तो इस तरह से जो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, हर जगह पे लेदर प्रोडक्शन किया जाता है, हर जगह की यूनिक चीज़ें और अलग अलग तरीके की होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया में बनती हैं। ग्वालियर, इंदौर एंड देवास आर नॉन फॉर शूज, जूतीज एंड बैग्स। और जो पर्स और जूतीज होती है उसके लिए कौन फेमस है? ग्वालियर स्टेट, इंदौर एंड देवास। ये सारे लोकल जॉब्स होते हैं जो अपने वो अपने ट्रेडिशनल वे में चलती रहती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती हैं। वो ये सारी क्या थी जो अपने अभी डिस्कस की, वो सारे लोकल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रोफेशनल जॉब। प्रोफेशनल जॉब्स मीन्स द प्रोफेशन और प्रोफेशंस दैट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट और कॉलेज। अबाउट प्रोफेशनल जॉब्स आर प्रोफेशनल जॉब्स। देखो प्रोफेशनल जॉब्स क्या होती हैं? फॉर प्रोफेशनल जॉब्स वी हैव टू टेक स्पेशल डिग्री एंड सम स्पेशल स्किल्स नीड फॉर दिस जॉब्स। पीपल हु डू दिस जॉब्स लाइक डॉक्टर, देखो एग्जाम जो ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट, ड्राइवर्स एंड प्रोफेसर्स आर ट्रेंड टू एक्वायर नेसेसरी स्किल्स। इन सब जैसे ये सारे होते हैं उनको अपने वर्क करने के लिए, अपने जॉब करने के लिए क्या ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो ये सारी प्रोफेशनल जॉब होती है, जैसे लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ये सब क्या होते हैं? ट्रेन होते हैं। इंजीनियर आर ट्रेन एट इंजीनियरिंग कॉलेज, डॉक्टर्स इन मेडिकल कॉलेज। दे हैव ऑल डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट फॉर देयर ट्रेनिंग लाइक इफ इंजीनियर, इंजीनियर विल ट्रेन इन इंजीनियरिंग कॉलेज, डॉक्टर विल ट्रेन इन मेडिकल कॉलेज, पायलट्स इन फ्लाइंग इंस्टीट्यूट्स एंड टीचर इन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स।
बिफोर एंटरिंग द आर्म फोर्स द सोल्जर अंडरगो अ टफ ट्रेनिंग. अगर अपन को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है उसके लिए भी अपन को उससे पहले का जो प्रोसेस होता है वो टफ प्रोसेस होता है, उस पूरी टफ ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही अपन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं. सिमिलरली दोज हु एस्पायर टू बिकम एस्ट्रोनॉट अंडरटेक अराउंड 2 years ऑफ ट्रेनिंग टू क्वालिफाई फॉर द सेम. ये सारी जो प्रोफेशनल जॉब है एस्ट्रोनॉट, ये सारी इनको करने के लिए अपन को एक इंस्टीट्यूट से स्पेशल डिग्री की जरूरत होती है, स्किल्स की जरूरत होती है और एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, उसके बिना अपन एक जॉब में कैपेबल नहीं हो सकते हैं. नेक्स्ट वी विल डू इन अवर नेक्स्ट क्लास.